दोस्तों ये देखिए हमारे आईफोन के कॉल लॉग, ये हमारे आईफोन के कॉल लॉग। ये अगर हम हमारे दूसरे आईफोन पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि दोनों फ़ोन पे ही सेम कॉल लॉग कॉल हिस्ट्री शेयर हो रहा है, लेकिन वो वाला फ़ोन हम खुद नहीं यूज़ करते हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर यूज़ करते हैं। कॉल लॉग्स कॉल हिस्ट्री सिंक होने के साथ साथ कॉल भी डायरेक्टली एक डिवाइस में से दूसरे डिवाइस पे सिंक हो जाते हैं। अब कोई आपके फ़ोन पे कॉल करे तो ये सेम कॉल बाकी सारे डिवाइस में भी चले आते हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग और अनोइंग दोनों ही होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से फिक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आमतौर पे अगर आप आपके एक ही एप्पल आईडी सभी आईफोन पे यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जैसे कि आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे एक ही एप्पल आईडी इतने सारे डिवाइसेस पे साइन इन है, तो जिस वजह से हमारे इस फ़ोन के सारे कॉल लॉग्स वो सारे डिवाइस पे चले जाते हैं और उन डिवाइस के कॉल लॉग्स भी इस फ़ोन पे चले आते हैं। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है आप सभी फ़ोन पे डिफरेंट एप्पल आईडी यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास एक ही एप्पल आईडी है तो भी आप इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। इसके लिए आपको जो करना है, सिंपली आपके एप्पल आईडी पे आने के बाद यहाँ पे आई क्लाउड पे टैप करना है। इस जगह पे आने के बाद शो ऑल पे टैप कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन, इसे आप टर्न ऑफ कर दीजिए। टर्न ऑफ करने के बाद आपके सामने ऐसे ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ पे कीप ऑन माय आईफोन रखिए। ऐसे करने से आपके फ़ोन में कॉन्टेक्ट्स रह जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आई क्लाउड ड्राइव का जो ऑप्शन है उसे भी आप टर्न ऑफ कर दीजिए। ये करने के बाद हम यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक करके फिर से सेटिंग्स पे चले जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे जनरल ऑप्शन पर टैप करेंगे, ये रहा जनरल ऑप्शन, और उसके बाद हम एयरप्ले एंड हैंड ऑफ पर टैप करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हैंड ऑफ का जो ऑप्शन है उसे टॉगल ऑफ कर दीजिए और यहाँ से बैक कर लीजिए। हम फिर से सेटिंग्स पे चले जाएंगे। अब स्क्रॉल करके हमें बिल्कुल नीचे चले जाना है जहाँ पे हमें फ़ोन का ऑप्शन दिखेंगे, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद कॉल्स ऑन अदर डिवाइसेस का जो ऑप्शन है उस पर टैप करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे टर्न ऑन है और ये तीनों डिवाइस में हमारे एप्पल आईडी साइन इन है, जिस वजह से यहाँ पे हमारे फ़ोन का जितने सारे कॉल लॉग्स है, कॉल हिस्ट्री और इसके साथ साथ इवन कॉल भी दूसरे फ़ोन पे सिंक हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इसे टोटली टर्न ऑफ कर देंगे और ये काम हमें बिल्कुल इसी तरीके से हमारे दूसरे फ़ोन में भी करना है। तो ये रहा हमारे दूसरे आईफोन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उस फ़ोन के कॉल लॉग्स और इस फ़ोन के कॉल लॉग्स सेम है। तो हमें इस फ़ोन में भी वो सभी सेटिंग्स करना है जो हमने ये वाला फ़ोन पे किए थे। ये करने के बाद आप ये वाला फ़ोन में से भी पुराने कॉल लॉग्स को डिलीट कर दीजिए। तो ये सारे चीज़ें कर लेने के बाद सेम एप्पल आईडी आप चाहे कितने भी डिवाइस पे यूज़ करें, एक फ़ोन में से कॉल लॉग्स, कॉल हिस्ट्री और कॉल दूसरे फ़ोन पे सिंक नहीं होंगे। दोस्तों आशा करते हैं हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।